हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह की इमेज। सो इस तरह की इमेज को क्रिएट करने के लिए हमें दो इमेजेस चाहिए। सो इस इमेज में मैंने एक्चुअली में किया क्या है कि एक इमेज ली हुई है और दूसरी इमेज के ऊपर पहली वाली इमेज का जो फेस है मैंने इंसर्ट किया हुआ है। सो दोनों को एक तरह से मर्ज करवाया हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो फेस का एरिया है उसको। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम किसी दूसरे फेस को इंसर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी इमेज के फेस में। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमें सबसे पहले चाहिए एक इमेज जिसे हम एडिट करेंगे। तो हमारे पास है ये वाली इमेज, इसे हम एडिट करने वाले हैं, और हमारे पास है ये इमेज जिसका हम फेस लेने वाले हैं। सो गाइस, इन इमेज को डाउनलोड करने के लिए आप मेरे ब्लॉग में जा सकते हैं और वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम ओपन करेंगे फोटोशॉप। अब हमें यहाँ पे ओपन करनी है वो इमेज जिसे हम एडिट करने वाले हैं। तो सिंपली फाइल में जाइए, ओपन कर सकते हैं आप इमेज, या शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल ओ क्लिक कीजिए और इमेज को सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे इमेज ओपन हो चुकी है। सो हमारे पास राइट हैंड साइड में जो है लेयर्स की ऑप्शन आएगी इस तरह से। सो हमारे पास बैकग्राउंड बन के आया होगा, यहाँ पे ये लॉक होगा इस वक्त, इसमें क्लिक कीजिए और फिर डबल क्लिक। सो इस तरह की ऑप्शन हमारे पास आएगी और ओके कीजिए तो ये लेयर अनलॉक हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। सो अब हमें जो है इसके अंदर इंसर्ट करनी है ये मास्क वाली इमेज। तो सिंपली हम कर क्या सकते हैं कि हम इस इमेज को ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे और ड्रॉप। सो और एक मेथड है हमारे पास, फाइल में जाएंगे और प्लेस में क्लिक कीजिए और उस इमेज को सेलेक्ट कीजिए और हमारे पास यहाँ पे इमेज आ चुकी है। सो अब इमेज को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और हमें टॉप में यहाँ पे मेन्यू पे एक टिक दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं दोनों इमेजेस को रीनेम कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं इमेज लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, ओके। और जो मास्क वाली है इसका नाम भी चेंज करके मैं लिख देता हूँ इमेज टू मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। सो अभी हमें एडिट करना है, सिर्फ जो हमारी इमेज टू है इसे एडिट करना है क्योंकि हमें इसका फेस चाहिए और इस वक्त हमें जो बैकग्राउंड में इमेज है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लेस में जाके इसका जो व्यू है उसे डिसेबल कर दीजिए और अब हमारे पास सिर्फ व्यू है उस इमेज टू का। सो इमेज टू को सिलेक्ट कर दीजिए लेयर में जाके। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे, क्विक सिलेक्शन लीजिए और सिर्फ जो इसका फेस है उसी को सिलेक्ट करेंगे हम क्योंकि हमें इसी की नीड है इस वक्त और बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। सो पूरी बॉडी को इग्नोर कीजिए, सिर्फ फेस जो है इसका ले लीजिए, ज़्यादा अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में हम इसे भी थोड़ा मिटाएंगे, थोड़ा बहुत एडिट करेंगे। सो अब इसमें राइट क्लिक कीजिए और अब इसे लेयर बाय कॉपी कर लीजिए और अब हमारे पास जो है इसका जो है एक डुप्लीकेट आ चुका है सिर्फ और सिर्फ फेस का। सो अब जो है हमारे पास इमेज टू है और एक लेयर वन है। इमेज टू की जो है अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ फेस चाहिए था जो कि हमने ले लिया। तो इमेज टू को डिलीट कर दीजिए, इमेज टू में जाइए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट लेयर कीजिए और अब जो है हमारे पास फेस आ चुका है जो कि है लेयर वन और ये है बैकग्राउंड। सो अब जो है हमें इस लेयर वन को इंसर्ट करवाना है इस बैकग्राउंड इमेज के साथ। सो थोड़ा बहुत मैच करवाना है इस फेस के साथ हमें इसे। सो काफ़ी इजी है। सो अब सारी की सारी जो लेयर हैं इसे ओपन कर दीजिए, व्यूएबल कर दीजिए। सो और लेयर वन को सिलेक्ट कर लीजिए। लेयर वन सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है, मूव टूल में। मूव टूल के मदद से हम इसे मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में और अब जो है राइट क्लिक कीजिए इसमें, फिर लेयर वन में क्लिक कीजिए और फिर से अब हम इससे मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। आपको साइड में कुछ ऑप्शंस दिख रही होंगी कुछ इस तरह की जो हैं ब्रैकेट्स, हम यहाँ से इसे मूव कर देंगे दूसरी साइड क्योंकि जो ओरिजिनल इमेज इस तरफ है वैसे हमारी, लेकिन जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो मैच नहीं कर रही है लेफ्ट हैंड साइड से हमारे ऑब्जेक्ट की, तो इसे हम मूव कर देंगे दूसरी साइड को। सो कुछ इस तरह से हमारे पास इमेज आ जाएगी। अब हम ऑप्टिमिसिटी लेयर्स में जाके इसकी कम कर देते हैं ताकि हमें दिखाई दे इसके आर पार। अब हम इसे मैच करवाएंगे। सो अब इसे मैच करवाते हैं
अब हम इसे मैच करवा रहे हैं। सो कुछ और टूल्स भी हैं हमारे पास, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स दिख जाएंगे, स्केल, रोटेट, स्क्यू और वार्प। वार्प जो है बहुत तो यूज़फुल टूल है इस वक्त हमारे लिए, तो इसमें क्लिक कीजिए। अब इसकी मदद से हम इसे एडजस्ट करवा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हम इसे मूव कर सकते हैं। तो अपना टाइम लीजिए और इस इमेज को एडजस्ट करवाइए इस फेस के हिसाब से, और इसका नोज, टीथ, आईज सब कुछ चेक कीजिए कि मैच हो रहा है कि नहीं। तो टाइम लीजिए और एडिट कीजिए। सो गाइस, यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया अच्छे से, इसके जो बैकग्राउंड है उसके साथ इसे मैच करवा लिया है। सो अब मैं यहाँ पे टिक होगा हमारे पास ऊपर, इसे ओके कर लेते हैं अब, और ये फिक्स हो चुका है यहाँ पे हमारे पास। सो अब हम क्या करेंगे कि हम इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे, इरेजर टूल, और मेक श्योर कि लेयर्स में आपने लेयर वन को सेलेक्ट किया हुआ है। सो अब इरेजर टूल ले लीजिए और इसे हम रब करना शुरू कर देंगे, और अब इसे हम अच्छे से जो है मैच करवाएंगे इस फेस के साथ। ओके, सो टेक योर टाइम, आराम से इसे इरेज कीजिए, हमें जो है अच्छे से एडजस्ट करवाना है इसे यहाँ पे फेस में। सो टेक योर टाइम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे इरेज कर लिया इसे और एडजस्ट हो चुका है, जो हमारे पास लेयर वन है एडजस्ट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू जो बैकग्राउंड है उसके। सो अब कुछ इस तरह का जो है हमारे पास रिजल्ट आया हुआ है। सो कुछ इस तरह से ये एडजस्ट हो चुकी है अब। सो आप चाहें तो और ब्रशेस का यूज़ भी कर सकते हैं, तो बहुत से ब्रशेस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा टेक्सचर दे सकते हैं, जैसे कि स्मोक इफेक्ट हो गया। आप ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इससे और भी अच्छी जो है आपकी इमेज बनेगी। मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा कि किस तरह से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, अभी हमने यहाँ पे फेस को अटैच कर लिया है। सो आप इसके हेस को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी है। स्मच टूल लेंगे हम यहाँ पे, और इसके थ्रू जो है हम आराम से चेंज कर सकते हैं हमारी हेयर्स को। सो लेयर्स में हम जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे बैकग्राउंड इमेज को, और अब ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका बेसिक ब्रश है, और अब हम आराम से जो है हेयर्स को एडिट कर सकते हैं। सो सिंपली हम इस तरह से ड्रैग करते हैं हेयर्स को, आप भी आराम से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। सो अब मैं ज़्यादा कुछ इसमें बताऊँगा नहीं, क्योंकि जो बेसिक था वो मैंने बता दिया है कि किस तरह से हम हेयर्स को एडिट करेंगे। सो अब हमें जो है मेन चीज़ करनी है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है, इस इमेज का भी बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे अब। सो बहुत इजी है। सो अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि या तो हम इन दोनों इमेजेस को एक साथ मर्ज कर देंगे, क्योंकि अब हमें कोई एडिटिंग नहीं करनी है। तो सिंपली जाएंगे हम लेयर्स में और किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर शिफ्ट को प्रेस कीजिए, और फिर दूसरी इमेज को भी सिलेक्ट कर लीजिए। शिफ्ट हम यूज़ करते हैं ताकि हम मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर लें, और फिर हम जाएंगे एडिट में, ओके लेयर्स में जाएंगे और अब इसे मर्ज करा देंगे, मर्ज लेयर्स, या आप कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं। तो मर्ज कर लिया हमने लेयर, और अब ये एक ही लेयर में क्रिएट हो चुकी है पूरी इमेज। अब हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है हमारे ऑब्जेक्ट को, जो कि हमें शो हो रहा है, और जो बैकग्राउंड है उसे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो सिंपली हम सिलेक्शन टूल लेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे, टाइम लीजिए और इसे सिलेक्ट कीजिए।
सो गाइज यहाँ पे सिलेक्शन टूल की हेल्प से हमने सिलेक्ट कर लिया हमारे ऑब्जेक्ट को, और अब इसमें हम करेंगे राइट क्लिक और सिंपली जाएंगे कॉपी बाय लेयर में, या आप रिफाइन एज में भी जा सकते हैं अगर आपको कहीं पे कोई डाउट दिखता है कि कहीं पे एजेस ख़राब हैं वगैरह वगैरह, सो वहाँ पे जाके आप इसे एडिट कर सकते हैं आराम से। लेकिन इस वक्त मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ, ऑलमोस्ट ठीक ही है ये। सो अब ओके कर लेते हैं इसमें। सो अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे फिर से, और अब जो है हम जाएंगे लेयर वाया कॉपी में। सो लेयर वाया कॉपी हमने कर ली है, और अब हमारे पास लेयर्स में दो इमेजेस आ चुके हैं। जो फर्स्ट लेयर है लेयर वन, इसे डिसेबल कर देते हैं व्यू को, और अब जो है लेयर टू का व्यू हमें दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह की जो है हमारे पास इमेज है यहाँ पे ये। सो अब हमें जो है लेयर वन की ज़रूरत नहीं है, सो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और अब हमारे पास जो है आ चुकी है लेयर टू। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इमेज है इसके जो एजेस हैं ब्लर आएँ, थोड़े से जो एज हैं वो दिखाई ना दें, तो सिंपली क्या करना है कि सिलेक्ट टूल यूज़ करना है और इस पूरी इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है इमेज में, और यहाँ पे एडजस्टमेंट, यहाँ पे जो है वो सॉरी फिल्टर्स में जाना है, सॉरी फिल्टर्स में जाएंगे, और यहाँ पे ब्लर में जाएंगे। अब हम ब्लर के बाद हम जाएंगे गशन ब्लर में, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इसे, और रेडियस को सिलेक्ट करना है हमें कि कितना ब्लर जो है हमें इमेज चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 1.3 कुछ ऐसा ही रखिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा पूरी इमेज में। ओके, सो ये करने के बाद हमें जाना है सिलेक्शन में, डिसलेक्ट कर लेंगे इसे, सब कुछ हो चुका है। अब इसे बैकग्राउंड इमेज हमें देनी है, तो सिंपली हम फिर से प्लेस का यूज़ करेंगे। सो फाइल में जाएंगे प्लेस, और उस बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, और इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं इमेज को। ओके, सो ये करने के बाद ओके कर दीजिए, हमारे पास इमेज आ चुकी है। जो अब लेयर में हमें जाना है, और जो बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया है हमारी इमेज के लिए, इसे ड्रैग करके नीचे लेके आना है। सो अब जो है हमारे पास कुछ इस तरह की इमेज क्रिएट होके आ चुकी है। सो गाइस इसी तरह से हम ये इमेज क्रिएट करते हैं, और अब हम जाएंगे, हम सिंपली इसे भी मर्ज कर देते हैं। तो सिलेक्ट कर लीजिए इमेज को दोनों को, शिफ्ट में क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए दूसरी इमेज को भी, और अब हम जाएंगे लेयर्स में और इसे मर्ज कर दीजिए। अब एक इमेज में ये आ चुकी हैं। अब हम जाएंगे फिल्टर में, और फिल्टर में हम ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं, या फिल्टर गैलरी हमारे पास है तो फिल्टर गैलरी में जाते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे इमेज ओपन होके आ चुकी है। सो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कटआउट को मैंने इस वक्त यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो कटआउट को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लेवल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस कटआउट के। ओके, सो यहाँ पे मैंने 8 लेवल दिया हुआ है इसे, और एजेस वगैरह को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये सब कुछ करने के बाद ओके क्लिक कीजिए। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है फिल्टर्स हैं फोटोशॉप में, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम जाएंगे सिंपली इमेज में, एडजस्टमेंट्स में आप ऑटो ट्यून भी कर सकते हैं, ऑटो कंस्ट्रक्ट, और लेवल्स में अब हम जाएंगे। लेवल्स में जाने के बाद हम इसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं ईजीली। ओके, और भी हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे ब्राइटनेस की आ गई, सो ब्राइटनेस ओके, और कलर चेंज करने के लिए हम जा सकते हैं एडजस्टमेंट में, और यहाँ पे हम जाएंगे ह्यूज कंस्ट्रास्ट। ओके, सो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। जो भी इमेज आपको अच्छी लगे उसे ले लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, सो कुछ इस तरह की इमेज अच्छी है यार, पता नहीं कि अब कलर्स की चॉइस तो मेरी बहुत घटिया है। सो गाइस इस तरह से हम मर्ज कराते हैं टू इमेजेस को, इस तरह से हम ऐड कराते हैं किसी इमेज का फेस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे। सो गाइस काफ़ी इजी है ये करना, आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। सो गाइस ओपन कीजिए अपनी अपनी फोटोशॉप अपने पीसीज में और ट्राई कीजिए इसको, और ये सारी इमेजेस आपको अवेलेबल होंगी मेरे ब्लॉग में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी बाकी की वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू, बाय, टेक केयर।